हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज स्पेशली बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम करने वाले हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन इस शब्द में जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ये एक जो वर्ड है ना, इसमें स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन हो रहा है। मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि भी इनके अंदर काफी कंफ्यूजन है, वो ये सोच रहे हैं ये अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपका ये कंफ्यूजन आज दूर करने के लिए आया हूं। तो जो स्टूडेंट आज ये वीडियो देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि इस टॉपिक को समझने से पहले मैंने स्टैटिक्स के ऊपर, स्पेशली एलडीसी के लिए स्टैटिक्स के मीन, मोड, मीडियन, सूचकांक, माध्य विचलन के वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, ठीक है? उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। आप उन वीडियो को अच्छे से देखिएगा, वो आपको क्लियरिफिकेशन कर देंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बिल्कुल। ये बस नाम थोड़ा हमें अलग लग रहा है, लेकिन इस टॉपिक में कहीं कुछ ऐसा कंफ्यूज करने वाली चीज नहीं है कि समझ में ना आए, पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये समझने से पहले अपने को माध्य, माध्यिका, बहुलक, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, वो वीडियो आप अच्छे से देखिएगा, उनको समझिएगा, उसके बाद में ये तो चुटकियों का खेल है, केंद्रीय प्रवृत्ति माप तो निकालें। इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, उन पर आज हम बात करेंगे। वो क्वेश्चन देखें किस टाइप से उनके ऊपर क्वेश्चन जो बन रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, उन पर डिस्कस करेंगे आज हम। सारा क्लियरिफिकेशन आज हम कर देंगे इसका, और आज के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी अलग गाइड से। और स्पेशली एक बात और बताता हूं आपको, अगर आप किसी गाइड में देखोगे या किसी नोट्स में देखो, तो थ्योरेटिकली बहुत मैटर, यानी उनके अंदर इंक्लूड किया हुआ है, तो वहां आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको अच्छे से बता दूं, क्योंकि उनके अंदर भाई जो कॉपी पेस्ट किया हुआ मैटर है वो समझा ले कि नहीं दिया हुआ, वो सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिंट कर दिया और मार्केट में बुक्स को अवेलेबल करवा दिया और बच्चों ने खरीद ली, बस काम हो गया, फिनिश। उनमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, इतना थ्योरेटिकली मैंने देखी है गाइड्स, तो काफी कंफ्यूजन होंगे वहां बच्चे। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, स्पेशली सबके लिए, कि आप इसे देखें अच्छे से और समझे इस चीज को। तो स्टार्ट करें फिर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का दूसरा नाम क्या है, स्टैटिक्स मीन, यानी माध्य। माध्य निकालना आपको आता है, आई होप, नहीं आता तो वीडियो देख लीजिए, वहां से आपको आ जाएगा अच्छे से। यानी माध्य ही बोलते हैं इसको, सांख्यिकी माध्य। आप अब इसके अंदर देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति माप को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो कौन सा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी गणितीय माध्य बोलते हैं इसको, गणितीय माध्य इसको बोलेंगे हम, गणितीय माध्य। दूसरा इसका जो पार्ट है वो है स्थिति माध्य। क्या है? स्थिति माध्य। बात होगी क्लियर? अब देखो, गणितीय माध्य के अंदर क्या कौन कौन से पार्ट आएंगे, तो पहला पार्ट जो आएगा वो आएगा समांतर माध्य। क्या आएगा भाई? समांतर माध्य। दो नंबर पे जो पार्ट आएगा वो आएगा हरात्मक, मान लीजिए गुणात्मक मान लीजिए, ठीक है, हरात्मक माध्य। और तीन नंबर पे जो आएगा वो आएगा गुणोत्तर माध्य, ठीक है, गुणोत्तर माध्य। अब ये तीन पार्ट किसके अंदर है? ये गणितीय पार्ट के अंदर है, समांतर माध्य, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य। अब इसमें क्या है, इसमें पहला पार्ट आएगा माध्यिका। क्या आएगा भी? माध्यिका। बात क्लियर हुई? दूसरा पार्ट इसमें बहुलक, बहुलक। बस ये पार्ट डिवाइड किए गए हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंदर। तो अपने जो सिलेबस में है वो है माध्यिका, वो है बहुलक, और वो है समांतर माध्य। ये अपने सिलेबस में है, ये तीन चीजें, ये अपने सिलेबस में नहीं है। हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य सेकंड ग्रेड के अंदर इंक्लूड है टॉपिक, लेकिन अपने समांतर माध्य है, बहुल है और माध्यिका है। तो आज हम इन तीनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समांतर माध्य के बारे में बात कर ली जाती है। देखो, आप एक नोट करना, यहां मैंने माध्यिका लिख दिया है, मैंने यहां बहुलक लिख दिया है, लेकिन मैंने माध्य नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो समांतर माध्य होता है उसको ही माध्य बोला जाता है, ये दोनों एक ही नाम है। मैंने आपको बताया मीन, मीन का मतलब होता है माध्य निकालना, मैंने सिखाया है, उसी को बोलते हैं समांतर माध्य। वो सारा का सारा जो फॉर्मेट है वो समांतर माध्य का ही रहने वाला है। सिर्फ नाम से मत घबराना, आप नर्वसनेस मत महसूस हो,
कि समांतर माध्य वही चीज है, यानी मीन ही समांतर माध्य है। तो चलिए फिर सीखें इस तरह से क्या क्वेश्चन किस पुटअप होंगे। चलिए तो साथ साथ नोट भी करते रहिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आज हम पूरा कर ही देते हैं। तो मैं सबसे पहले समांतर माध्य टॉपिक डालता हूं, क्योंकि हरात्मक और ऋणात्मक अपने हैं नहीं, वो हम नहीं करेंगे। तो अपना जो टॉपिक है समांतर माध्य क्या है, समांतर माध्य, या इसको सिर्फ माध्य ही बोला जाता है भाई, क्या बोला जाता है, माध्य ही बोला जाता है। अब आप देखो, मैं ये चीज को ज्यादा नहीं समझाऊंगा, क्यों नहीं समझा रहा है चीज को, बस आपको थोड़ा तरीका बताऊंगा, क्योंकि माध्य निकालना मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो देखिए, उसमें बताया अच्छे से। अब वही चीज देखो, माध्य के अंदर क्या चीज था, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था इसको, कितने पार्ट में, एक तो इंडिविजुअल पार्ट यानी व्यक्तिगत माध्य, व्यक्तिगत पार्ट था, दूसरा कौन सा था, खंडित पार्ट था, और तीसरा पार्ट कौन सा था भी, सतत था, कौन सा था, सतत। ये तीनों के तीनों मैंने अच्छे से आपको समझा रखे हैं, तो ये समांतर माध्य के अंदर इंक्लूड होंगे। वो आपको मैंने वीडियो बना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं अपने को। लेकिन हम इसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चन केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, उन पे ही हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये चीज वहां से सीखिएगा, व्यक्तिगत खंडित सतत माध्य निकालना। चलिए फिर कुछ हम मैं थोड़ा समझाता हूँ इसके बारे में आपको कि क्या चीज है। देखो क्वेश्चन सबसे पहले लिखता हूं कि एक क्वेश्चन जैसे आ गया आपके सामने, क्वेश्चन से आप ज्यादा समझोगे कि किसी कक्षा के पांच विद्यार्थियों के हिंदी में 100 में से 5 विद्यार्थी हैं, उनके हिंदी एक सब्जेक्ट में से 100 में से कितने कितने अंक आए हैं, एक के 50 आ गए, एक के मान लिया 30 आ गए, एक के 80 आ गए, एक के कितने आ गए 40 आ गए, एक के दूसरे के मान लीजिए 20 आ गए। पांच विद्यार्थी हैं, पांचों एक के 50 आ गए, एक का 30, एक का 80, 40 और 20 आ गए हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, समांतर माध्य ज्ञात करो, ठीक है। ये लो आपके सामने क्वेश्चन, ये व्यक्तिगत पार्ट है, ये इंडिविजुअल मीन है, ये इंडिविजुअल पार्ट किसका, माध्य का। अब देखो कितने विद्यार्थी, अभी 5 विद्यार्थी हैं, यहां 5 डिजिट दी हुई है, बात होगी क्लियर। देखो माध्य निकालना, समांतर माध्य निकालना है, अच्छे माध्य निकालना, बात एक ही है, मैंने आपको सिखाया था एक्स बार बराबर का मतलब क्या होता है, माध्य, और इसी को क्या बोलते हैं, समांतर माध्य। ये क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, क्या होता है सिग्मा एक्स, एक्स का मतलब जितने डिजिट दे रखे, नंबर ऑफ सीरीज दे रखी है, ये दे रखी है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग करना, मतलब जितने भी हैं सबका योग करो। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट, कितने भी 5 विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी तो 5 हो गए, सीधी सीधी बात है, मैं इसको लिखता हूं 50 प्लस में 30 प्लस में 80 प्लस में 40 प्लस में 20 और अपॉन में कितने विद्यार्थी हैं, अभी 5 विद्यार्थी हैं, बात होगी क्लियर। अब इनको अगर ऐड करें तो कितने हो गए, 50 और 30 कितने, 80 हो गए, 80 और 80 कितने हो गए, 160 और 40 कितने हो गए, 220 आ गए, कितना आ गए, 220 आ गया। अब इसमें हम डिवाइड करते हैं, तो अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 चौके 20 कितना बच गया, अभी 2 बच गया, फिर 5 चौके 20 आ गया, तो माध्य कितना आ गया, 44 माध्य आ गया, ये आंसर आपका आ गया। ये लो भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का पहला जो एक जो क्वेश्चन था वो इस टाइप से आपको मिलेगा, मीन से रिलेटेड है, अच्छे से आप आते हैं आपको, और वीडियो देखेगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और मैंने फिर भी बता दिया है कि इसका माध्य कितना आ गया, देखो डिवाइड किया 5 के 20, 0 5 के 20 और 2 22, 220, तो 5 से डिवाइड करेंगे 44 आ गया, जो क्या आ गया, समांतर माध्य आ गया। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ नहीं करना, कि किसी कक्षा में 5 विद्यार्थी थे हिंदी में, 100 में से भी एक इतने इतने नंबर आए हैं, कुछ नहीं करना, जितने नंबर है उनको टोटल कर दो, अपॉन में जितने विद्यार्थी हैं उनसे डिवाइड कर दो, आपका समांतर माध्य आ गया। ये था इंडिविजुअल पार्ट यानी व्यक्तिगत पार्ट, ये आपको ज्यादा उस वीडियो देखने से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करता हूं जो इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर इंक्लूड होता है, वो देखो किस तरह से क्वेश्चन है। ये
यानी किसी फैक्ट्री के अंदर, यानी किसी फैक्ट्री में, एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं आपके सामने कि किसी फैक्ट्री में 10 मजदूरों का मासिक वेतन मान लीजिए 5000 है, कितना है भाई 5000 है, तथा अन्य फैक्ट्री में कोई अन्य एक दूसरी फैक्ट्री है उसमें अन्य फैक्ट्री में मान लीजिए 5 मजदूरों का मासिक वेतन मान लीजिए 10000 है, कितना है 10000 है, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ये लो क्वेश्चन को समझो पहले आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में 10 मजदूर हैं, कोई फैक्ट्री उसमें 10 मजदूर कार्य कर रहे हैं, उनका जो मासिक वेतन है वो है 5000। एक अन्य फैक्ट्री जिसमें मजदूर कितने हैं 5 हैं, लेकिन उनका मासिक वेतन है 10000, तो समांतर माध्य ज्ञात करो। सीधी सी बात है, मैंने माध्य निकालना आपको सिखाया, टोटल ऑफ नंबर सीरीज अपॉन में नंबर ऑफ सीरीज, सीधा ये बताया मैंने। अब आप देखोगे इसके अंदर कि पहली बात उसको सोल्व करते हैं, देखो क्वेश्चन को एक एक लाइन से पढ़ेंगे। 10 मजदूर हैं, उनका मासिक वेतन कितना है 5000 है, प्रत्येक का है 10 मजदूरों का मासिक, यानी मजदूरों का प्रत्येक का, या प्रत्येक और लिख लेना भाई, ठीक है, प्रत्येक का यानी प्रत्येक का कितना है 5000 है, एक का 5000 है, तो 10 का कितना हो गया, यहां लिखेंगे तो 10 मजदूरों का कुल वेतन निकालेंगे, ठीक है, कुल वेतन कितना आ गया 10 × में कितना मिलता है इन प्रत्येक को 5000 मिलता है, 5000, तो ये कितना आ गया, एक जीरो और लगा दो आप सीधी 50000 आ गया। इसी तरीके से कितने मजदूर हैं, 5 मजदूरों का निकाल लो, 5 मजदूरों का कुल कितना आ गया भाई 5 × में एक का कितना है 10000 है, एक का कितना है 10000 है ना, ठीक है। अब देखोगे आप तो टोटल कितना आ गया, इसका भी 50000 आ गया। अब मजदूर कितने, एक में 10 है एक में 5 है, तो टोटल मजदूर कितने आ गए, टोटल कितने आ गए 15 मजदूर आ गए, बात होगी क्लियर। और टोटल कितना आ गया, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 50000 और 50000 कितने हो गए, 1 लाख हो गए, कितने हो गए 1 लाख, बात होगी क्लियर, ये लो। अब अपने को निकालना है माध्य, समांतर माध्य मैंने अभी सिखाया था, कुल कितने आ गए 1 लाख, मजदूर कितने 15, इसको डिवाइड कर दीजिए सीधा सीधा, आप डिवाइड कर दे तो एक्स बार बराबर कितना आ गया 1 लाख, ठीक है, अपॉन में 15। इसका आंसर देखो क्या आएगा, अब आप अच्छे से डिवाइड तो कर ही लोगे इसको, तो 90 15 96 और 6, और इसके बाद में यहां कितना बच गया 10 बच गया, फिर 6 आएगा, इस तरह समथिंग इसका आंसर 66.something इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो डिजिट लिए है ना, पहली बात तो आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं, ये क्वेश्चन किसी बुक से नहीं लिया गया है, ये मैं एट ए टाइम यहां क्वेश्चन बना रहा हूं कि सीधी सी डिजिट अपने अकॉर्डिंग ले रहे हैं। आपको जो डिजिट मिलेगी पर्टिकुलर डिजिट मिलेगी, तो उसका आंसर पर्टिकुलर आएगा, इस तरह से नहीं आएगा, क्योंकि हम तो एट ए टाइम ये डिजिट ले रहे हैं, तो अपने को पता नहीं इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो किसी फैक्ट्री में 10 मजदूरों का प्रत्येक का वेतन कितना है 5000, इसी तरह 5 मजदूरों का मासिक वेतन यानी प्रत्येक का कितना है 10000 है, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जो लैंग्वेज है इसमें कोई अगर मिस प्रिंट हो जाए तो आप थोड़ा ध्यान कर लीजिए, क्योंकि हम एट ए टाइम इस लैंग्वेज को क्रिएट कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन को समझो आप, जो टेक्निकली क्वेश्चन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मेंटली आप इस चीज को समझोगे कि 10 मजदूरों का यानी एक का अगर 5000 है तो 10 का कितना हो गया, सीधा सीधा 50000 हो गया, और 5 का कितना है 10000 है, तो टोटल कितना 50 और 50 1 लाख हो गया, और इधर मजदूर कितने 15 है, तो 15 का 1 लाख हो गया। समांतर माध्य निकालना, आपको पता है 1 लाख का कौन हुआ 15 लिख दो, और जो डिवाइड में आंसर आएगा वो समांतर माध्य आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, बस इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज्यादा घबराने वाली बात है, इसी टाइप से आपको मिलेंगे।
ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, और जो जो माध्यक हैं वो मैंने उस वीडियो में अच्छे तरीके से आपको बताए हैं, वहां से आप ज्यादा समझ पाएंगे, वहां एग्जांपल की भरमार है, वहां से आप देखिएगा और प्रैक्टिस आप भी कीजिएगा। चलिए फिर हम कुछ और सीखते हैं इसके अंदर, ठीक है, नया टॉपिक कुछ केंद्रीय प्रवृत्ति का, जो नया टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड है केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर, वो देखो किस हिसाब से हम समझते हैं चीज को, ठीक है। एक नोट आप ध्यान रखिएगा कि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भाई कोई सांख्यिकी के माध्यम दे रखे, यानी कोई संख्याएं दे रखी है आपको, मान लीजिए 10 संख्याएं दे दी, ठीक है, 10 संख्याओं का समांतर माध्य अपनों को मान लीजिए 50 दे दिया, फिर ये बोले कि टोटल संख्या कितनी है, 10 है, अगर उनमें क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, क्या गुणा किया जाए, क्या भाग दिया जाए किस संख्या से, जो परिवर्तित समांतर माध्य होगा वो क्या होगा, ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं पहले, फिर समझ में ज्यादा आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति का, माप का यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए 10 संख्याओं का, 10 संख्याओं का समांतर माध्य, समांतर माध्य 20 है, कितना है 20 है, प्रत्येक संख्या में अब यहां मैं लिखता हूं एक नंबर, 5 जोड़ने पर, ठीक है, दो नंबर लिखता हूं, 5 घटाने पर, ठीक है, और तीन नंबर में लिखता हूं, क्वेश्चन है ये, 5 का गुणा करने पर, गुणा, और 4 नंबर है 5 का भाग देने पर, ठीक है, कि 10 संख्याओं का समांतर माध्य अपने को 20 दे रखे हैं, कह रहा है प्रत्येक संख्या में कितनी संख्या है, 10 संख्या में प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, 5 घटाने पर, 5 का गुणा करने पर, 5 का भाग देने पर परिवर्तित समांतर माध्य क्या होगा। पहले तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझो, इस क्वेश्चन के अंदर रिलेशन है क्या वो भी बताता हूं आपको कि 10 संख्याओं का समांतर माध्य अपने को 20 दे रखा है, सीधी सी बात है, उसके बाद में प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ेंगे, 5 घटाएंगे, 5 का गुणा करेंगे, 5 का भाग देंगे, तो प्रवर्तित समांतर माध्य क्या आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके आ सकता है, ठीक है। तो इसमें करने का तरीका सीधी सी बात है कि एक रिलेशन ही मान लीजिए इस चीज को, कि जिन भी संख्याओं के अंदर हम कोई भी संख्या जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, तो प्रवर्तित समांतर माध्य वही आएगा जो मूल समांतर माध्य में जितना जोड़ेंगे, जितना घटाएंगे, जितना गुणा करेंगे, जितना भाग देंगे वही आएगा। कैसे समझो इस चीज को आप देखो, पहला आंसर निकालना है 5 जोड़ने पर, तो मूल समांतर माध्य कितना अपना 20 है, इसी में आप 5 जोड़ोगे, इसी में 5 घटाओगे, इसी में 5 का गुणा करोगे, इसी में 5 का भाग दोगे, तो प्रवर्तित समांतर माध्य आ जाएगा। तो 5 जोड़ने पर क्या आएगा वो देखो, जोड़ने पर तो मूल समांतर माध्य कितना है 20, इसे 5 जोड़ो कितना आ गया 25, ये लो एक आंसर। दूसरे का कितना आएगा 5 घटाने पर, तो 5 घटाने पर कितना आएगा, तो मूल समांतर माध्य जो दे रखा है उसी में जोड़ना है, उसी में घटाना है, उसी में गुणा करना है, उसी में भाग देना है, तो 20 यहां से अगर घटाते हैं 5 तो 15 आ गया। अगर तीन नंबर क्या था 5 का गुणा करने पर, गुणा करने पर तो गुणा करोगे 20 इंटू में 5 कितना 5 2 10 यानी 100 आ गया। और चार नंबर क्या था डिवाइड करना है 5 का भाग देने पर, 5 का भाग देंगे तो 20 डिवाइड करने से 5 आंसर आ गया 4, ये लो आपका आंसर आ गया, सारे के सारे आंसर है। तो प्रवर्तित जो समांतर माध्य आएगा प्रत्येक संख्या का वो 25 15 100 और 4 आ गया। अब ये था रिलेशन, अगर मैं इसको थ्योरी के लिए आपको समझाता तो आपको समझ में भी नहीं आता, क्यों थ्योरी है, थ्योरी कभी समझ में नहीं आती, प्रैक्टिकल ये चीज है, देखो कुछ नहीं है उसको छोड़ो आप, क्वेश्चन जब आ जाए ना कि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 20 है तो प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ें, क्या घटाएं, क्या गुणा करें, क्या भाग करें, तो प्रवर्तित समांतर माध्य कितना आएगा, कुछ नहीं करना आपको, जो मूल समांतर माध्य दे रखा है उसमें जोड़ना है, उसी में घटाना है, उसी में गुणा करना है, उसी में भाग देना है, बस इतना करना है, आपका आंसर आ गया। सीधी सी बात है, अपना जो मोटिव रहेगा पेपर के अंदर वो निकालने का रहेगा आंसर, कि आंसर किस तरह से निकालें, ठीक है, क्योंकि टाइम की लिमिट वहां होती है तो कम समय में अपन आंसर निकाल पाए, वो चीज अपने को वहां सीखनी है। ये नहीं कि थ्योरी रट लें, थ्योरी रटने से क्या फायदा, वहां थ्योरी थोड़ी लिखनी, आंसर निकालना वहां तो अपने को, तो आंसर निकालना है तो क्वेश्चन को पहचान लो आप, मैं बार बार कह रहा हूं रिलेशन पे ध्यान दो और क्वेश्चन को ध्यान दो,
यानी क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहना, अपने को समझना इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप कैसे हैंडल करोगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, मैं मानता हूं अच्छा क्वेश्चन है और आने की पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो ये था एक तरीके से टाइप केंद्रीय प्रवृत्ति का। ये मानता हूं कि एक नया टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति में, ये नया क्वेश्चन बन के आया, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर इंक्लूड है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए फिर एक क्वेश्चन हम और देखेंगे कि किस तरह से उसके अंदर हम करेंगे। तो नई चीजें जो इसके अंदर इंक्लूड है वो सारी मैं आपको आज बताने वाला हूं, तो कहीं मत जाइएगा, ध्यान से नोट्स बना लीजिए, साथ साथ नोट भी करते रहिए जिससे कि आपको अच्छे से लगना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि एक से 20 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य बताइए, समांतर माध्य बताइए, ठीक है बताइए। ये चीज आपको सीखनी, क्वेश्चन देखो अकॉर्डिंग टू टाइम, एट ए टाइम मैं इस क्वेश्चन को क्रिएट कर रहा हूं, तो थोड़ी अगर वर्डिंग में दिक्कत आ जाए तो आप समझ लेना इस चीज को, ठीक है, कि एक से 20 तक प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। क्वेश्चन को समझो पहले, क्या कह रहा है, एक से स्टार्ट हो रही है, 20 तक की प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य यहां बताना है। तो एक रिलेशन था, थ्योरी थी इसमें समझाने के लिए, क्रमिक माध्य इसको बोलते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहेंगे हम, क्वेश्चन को समझेंगे, कुछ नहीं करना। जब इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल जाए ना कि भी एक से इतनी संख्याओं तक, या 10 से 20 संख्याओं तक, या 15 से 25 संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना आपको, पहली संख्या ले लीजिएगा, पहली प्लस में अंतिम अपॉन में 2 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात है, पहली क्या है 1 है, लास्ट वाली क्या है 20, अपॉन में 2 कर दें तो कितना आ गया 21 आ गया, और अपना आंसर क्या आ गया, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 चला गया, 1 पॉइंट कितना आ गया, अगर डिवाइड करते हैं तो 21 10 2 20 होते ना, 10.5 अंश का आंसर आ गया है, ठीक है, ये आ गया आपका समांतर माध्य 10.5, इसका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आएगी कि 1 से 20 तक कितनी भी संख्या क्यों ना दे दे आपको कि समांतर माध्य बताओ, तो कुछ नहीं करना, पहली संख्या अंतिम संख्या को आप ऐड कर देना और 2 से डिवाइड कर देना, आपका समांतर माध्य आ जाएगा। एक ये भी एक नया टाइप था केंद्रीय प्रवृत्ति माप जो टॉपिक है उसके अंदर, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नजर आए ना तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको समझ में भी आ रहा है अच्छे से तो भी मेरे को रिप्लाई करना कि मुझे अच्छे समझ में आ रहा है, तो हमें पता चले कि हमारा जो वर्क है वो वाकई में कामयाब हो रहा है, ठीक है। तो एक टाइप ये था केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर कि भी प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य कैसा होता है, सिंपल सी बात अपने को दे रखा है, ये आ गया, आई बात समझ में। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं उसमें क्या लैंग्वेज चेंज होके आती है। तो अपने पास 2 क्वेश्चन है, एक तो 82 से 100 तक की 19 संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो, दूसरा क्वेश्चन है 1 से अनंत तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करो, ठीक है। अब इनमें देखो क्या रूलिंग होगी, तो सीधा मैंने अभी आपको बताया था कि 1 से 20 तक का मैंने भी निकाला था ना, तो 82 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं, यानी 82 से 100 तक की संख्याएं 19 संख्या, कितनी संख्याएं 19 संख्याएं हैं, तो निकालना क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो मैंने अभी बताया माध्य हो चाहे समांतर माध्य हो दोनों का काम एक ही रहेगा, तो सीधी सी बात है मैंने कहा कि पहली कौन सी भी 82 है और लास्ट कौन सी है 100 है, डिवाइड किससे करना है 2 से, ये कितना हो गया 182 हो गया, अगर मैं डिवाइड करूं 9 2 18 और 1 यानी 91 91 समांतर माध्य, यानी माध्य आ गया किसका 82 से 100 तक की संख्याओं का समांतर माध्य, या माध्य कितना आ गया 91 आ गया, समझ लो, ठीक है। अब इसको देखोगे आप इसमें क्या है, 1 से लगातार n तक प्राकृत संख्याएं हैं, अभी मैंने बताया था लगातार कंटिन्यूटी जो चलती है संख्याओं की, कुछ नहीं करता उसमें, पहली संख्या आपको लेनी है, लास्ट वाली संख्या n ही होगी, वो n ले लेंगे, डिवाइड किससे करेंगे भी 2 से, तो ये आपका आंसर आ गया 1 प्लस में n / 2 समांतर माध्य, ये माध्य आ चुका है, बात हो गई क्लियर यहां पर। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति कुछ टॉपिक्स थे, इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, जो नई चीज थी मैंने बता दी, एक तो ये था, एक पीछे जो क्वेश्चंस आए थे वो था, और कुछ नहीं है इसके अलावा। आप गाइड में रहने दीजिए पढ़ना, जो मैंने बताया उतना आप कंप्लीट कर लो तो बहुत अच्छा है, वहां से आपका आराम से क्वेश्चन बन के आ जाएगा। मैंने पेपर को अच्छा अध्ययन किया पेपरों का, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं समांतर माध्य, तो उन्होंने कर लिया,
भारात्मक गुणोत्तर अपने सिलेबस में नहीं है। अब एक तरफ जो बात मैंने लिखी थी इस साइड में आपके सामने स्थिति माध्य में, एक तो लिखा था मैंने माध्यक, माध्यक लिखा था, इसी को माध्यिका बोलते हैं, ठीक है, माध्यिका बोलते हैं। दो नंबर मैंने लिखा था बहुलक। तो देखो इसको समझाने से अभी हम समझा क्या गए, क्योंकि मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आपको अच्छे से समझा रखा है, तो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, आप वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मैं अभी आपको दे देता हूँ। माध्यक और माध्यिका और बहुलक वही चीज है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के इंक्लूड अंदर टॉपिक दिए हुए हैं, जो इनको करने का तरीका है मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर रखा है, आप सीखिए वहां से। जो नए क्वेश्चन थे केंद्रीय प्रवृत्ति नाम का जो टॉपिक था वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं आपके सिलेबस में, आपको भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट लगे किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी थ्योरी के अंदर डाउट लगे, तो आप स्पेशली मुझको कमेंट शेयर कीजिएगा, मैं आपको जरूर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे। अगर आपको वीडियो, अगर हमारी चीज़ें जो हम करवा रहे हैं आपको टॉपिक्स, आपको अगर उनका बेनिफिट मिल रहा है, तो वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि सभी स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हो सके। और सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ, जिसका 12 अगस्त को पेपर है सबसे पहले, तो 12 अगस्त का देखो ज़्यादा टाइम नहीं रहा है LDC के लिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अभी जो पुलिस का पेपर हुआ उस पर काफ़ी विवाद चल रहा है, तो आप उसको दिमाग से निकाल दीजिए भाई, कि रद्द होगा आंसर की गलत आ गई, क्या हो गया, उस पे ध्यान भटकाना बंद कर दीजिए, एकाग्र होकर एकांत में तैयारी कीजिए। स्पेशली LDC की बहुत ही अच्छी भर्ती है, अगर आपका LDC में हो गया तो क्या करेगी कांस्टेबल उसके आगे, उस पे फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, हर टॉपिक को बार बार रिवाइज करती रहिए, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है मैथ के सब्जेक्ट में तो मैथ की टीचर से कंसल्ट कीजिएगा, GK वाले से कंसल्ट करो, हिंदी वाले से कंसल्ट करो, प्रत्येक सब्जेक्ट आपके 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, उनमें क्वालिफाई मार्क्स भी 40% का रखा गया है, उसको ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से तैयारी करें। ये ना हो कि आप कई सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले आए या किसी में आप क्वालिफाई ना कर पाओ, कांस्टेबल वाली बात ना होने जाए, इसमें कांस्टेबल सुनने में आ रहा कि 90% फेल हो गए, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए आपसे, क्वालिफाई बहुत मायने रखता है, पहले क्वालिफाई बाद में मेरिट, वो होगा गहन अध्ययन से, ठीक है। तो सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं LDC एग्जाम के लिए, धन्यवाद।